वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस सायस। तपस सायस में आपका स्वागत है। बट अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज़ है वो कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं एज वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव्स। ये मोरक्को है और कल यहाँ पे अर्थक्विक, अब शायद अभी क्लैरिटी नहीं है लेकिन शायद मोर देन, इसका मैग्नीट्यूड जो है 6 से ज़्यादा है। सो बहुत हजारों लोगों की जान गई है। सो मोर देन 1,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। सो एग्जैक्ट रीजन तो कुछ अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है प्राइमिया फेशिया में। सो जैसे ही ऐसा कुछ अपडेट आता है इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ भी, तो डेफिनेटली मैं उसको कवर करूँगा। लेकिन आप ये याद रखना कि मोरक्को जो है वो अपने वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन जो है उसको टच करता है, और ईस्ट साइड में जो है, और साउथ ईस्ट साइड में अगर ऐसा कहा जाए तो अल्जीरिया है, एक कंट्री है, उसको टच करते हैं, और कुछ इसके डिस्प्यूट वेस्टर्न सहारा के साथ भी है। सो आपको ये याद रखना है। इसके नॉर्थ साइड में जो है वो स्पेन है और पुर्तगीज है, और लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लैंड बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है ना, कुछ टच करता नहीं है। तो सी बाउंड्री जरूर है स्पेन और पुर्तगाल का, तो ये है। और इसकी राजधानी जो है, कैपिटल ऑफ मोरक्को जो है वो रबात है। तो आप इसको एज ए करेंट अफेयर या न्यूज प्रोस्पेक्टिव समझें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये रीजन क्यों है। इस रीजन में लगातार जो है टर्की वाले रीजन में और इस रीजन में अर्थक्वेक आने के रीजन्स क्यों हैं, वो रीजन ढूंढो आप। अगर कुछ राइटर्स इस तरीके के लिखते हैं तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा उस पर। तो मुझे लगा कि 2-3 मिनट का ये वीडियो बना दूं आपके लिए, ताकि, और फिर ये भी देखिए कि जो कुछ आइलैंड्स हैं स्पेन्स के, जैसे कैनरी आइलैंड्स हो गए और कुछ और भी जो हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो भी मोरक्को के आसपास की बाउंड्री को जो है उसके आसपास ही है। तो ये ऐसे चीज़ें, जब ऐसी चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ें एक्सीडेंट होता है तो यूपीएससी मोस्टली उसके आसपास के आइलैंड को टारगेट करता है। तो आप जैसे मदेरिया आइलैंड करके है, तो ये पुर्तगाल का है। ऐसे कैनेडी आइलैंड है, वो स्पेन का है। तो आप उसको एक बार, आइलैंड को देख लीजिएगा, वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे हिसाब से। बाकी तो यूपीएससी को कोई ट्रेस तो आज तक कर नहीं पाया। तो आपको मोरक्को, मोरक्को मोस्टली जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री है, मोस्टली वेस्टर्न अफ्रीका, और समझ लीजिए कि नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, वेस्ट नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। तो आप उसको ईस्ट अफ्रीका ना समझें। तो एक तो आपको ये हो गया। दूसरा ये है कि एक एटलस माउंटेन है, तो आप एक बार एटलस माउंटेन को देख लीजिएगा, और कुछ इसके रिवर्स जो यहाँ के होंगे वो भी आप एक बार, यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ जगह पे मार्केश आपने सुना होगा, मार्केश समिट होता है, बहुत टाइम आपने सुना होगा। तो मैप में इसको ट्रेस करने की कोशिश करें आप। रबात आप सबको बता ही दिया मैंने कि इसका कैपिटल है। फिर जो भी इसके फिजिकल्स, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर ऐसा राइटर लिखेगा 1-2 दिन में, तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अननेसेसरी आपके डेटा को बढ़ाने का कोई ऐसा कोई औचित्य है नहीं, या फिर इतना कोई नेसेसिटी है नहीं कि आपको डेटा मैं भर दूं, और जिसकी रिलीवेंसी बहुत कम हो। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लेना। अटलांटिक ओशन इधर हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं, मेडिटेरियन सी इधर हो गया तो आपको कोई दिक्कत। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो डिवाइड करता है वाटर को, दो बड़े वाटर को, मेडिटेरियन सी एक साइड और अटलांटिक सी एक साइड। तो आप उसको देखिएगा। नेक्स्ट, यस ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कोशिश किया है कि अभी लास्ट में जो इस साल जो बड़े अर्थक्वेक आए हैं, तो उसको समझने की कोशिश किया हूँ। टर्की वाला आप सबको याद होगा, अभी अभी हुआ है, फरवरी की बात है, 7.8 मैग्नीट्यूड का, और दूसरी फिर से लगातार कंटिन्यूअस
जो था वो अर्थक्वेक आ रहा था टर्की में, तो 7.8 फिर 7.5, और अप्रोक्सीमेटली 60,000 पीपल ने, डेथ टोल जो है 60,000 है, बहुत अनफॉर्चुनेट डेटा है लेकिन यही सच है। तो एक टर्की सीरिया वाला अर्थक्वेक आपको देखना है कि ये आप इसको मैप पे ट्रेस कीजिएगा। फिर सेकंड, अभी मोरक्को वाला जो हुआ, मार्केश वाला, सफी वाला, तो इसमें 6.8 का बताया जा रहा है मैग्नीट्यूड, तो ये देख लीजिएगा। 8 सितंबर कल हुआ है ये। उसके बाद अफगानिस्तान में बदकशान एक जगह है, वहां पे भी हुआ था, वहां पे 6.5 का था। फिर इक्वेडर में हुआ था वहां भी, यहाँ पे अप्रोक्सली 18 लोग, 21 लोग इस तरीके की मौत हुई थी। तो आप इस एरिया को देखें, फिर टर्की में, फिर लगातार, तो आप इस एरिया को कोशिश करें कि टर्की में, या फिर इतने सारे भूकंप, इतने सारे अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है, तो आप उसको पढ़ना, रेदर देन कि आप अर्थक्वेक में कितना मैग्नीट्यूड का, कितने लोगों का लॉस हुआ। वो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जाने, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, हम इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, क्या कोई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या जो मूव कर रही है, अगर मूव कर रही है तो कितने सेंटीमीटर, कितने एमएम, 100 साल में कितने एमएम उस तरीके से मूवमेंट हो रही है उनका। तो इसके इसके ऊपर आप एक रिपोर्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको एक टेक्टोनिक प्लेट समझ में आए कि कितने सारे, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो मैं मैप में बता देता हूँ आपको। उसके साथ साथ बहुत सारे जो होते हैं, जो माइनर प्लेट्स होते हैं, जिसकी फ्रिक्शन से, जिसके उससे भी जो होता है अर्थक्वेक आते हैं। तो आप जो रेलिवेंट हो, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि आप सारा याद कर लो, लेकिन जो रेलिवेंट माइनर प्लेट्स हों, टेक्टोनिक प्लेट्स हों, उसको भी पढ़ें, तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, ये इस प्लेट के आसपास आने से, कोलाइड होने से या दूर जाने से अर्थक्वेक हो रहा है। तो आप ज्योग्राफी में, बहुत उम्मीद करता हूँ कि ज्योग्राफी में आप ये सब पढ़े ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो 7 मेजर जो होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, तो आप उसको समझ लें। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, 3 अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, और इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस टाइप का मिला के आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 आपको जो है ना वो बड़े प्लेट मिलेंगे। तो इस ये आपको जो है एक टाइप का बड़ा प्लेट है। इसके साथ साथ छोटे माइनर प्लेट्स भी हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे कोकोज हो गया, नाजका प्लेट हो गया, अरेबियन प्लेट्स हो गया, सोमाली प्लेट्स हो गया, फिलीपींस प्लेट्स। अब ये देखो, यहाँ पे फिलीपींस में ये प्लेट्स में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, फिलीपींस में भी अर्थक्वेक बहुत आता है। अब मैं ये इसमें आपको सरफेस वेव और वो पी वाला, पी वेव, एस वेव नहीं पढ़ाऊंगा कि कैसे अर्थक्वेक आता है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। वो अभी मैं कैटर भी नहीं करना चाहता। वो ऐसा है कि आप उसको जब तक ज्योग्राफी के टर्म में नहीं समझेंगे कि अर्थक्वेक कैसे होता है, कौन से एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा होता है, कहाँ पे वोल्केनो ज्यादा होते हैं, तो उसको अननेसेसरी, उसको बड़ा बनाना मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मेरा मतलब ये होता है कि अभी करंट में न्यूज है, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट कि हाँ भाई, 7 मेजर प्लेट होते हैं और माइनर प्लेट भी होते हैं बहुत सारे। और फिर टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। तो ये आपके 7 मेजर प्लेट्स हैं और छोटे छोटे प्लेट्स भी मैंने बता दिया आपको। तो ये आज का न्यूज था। एटलीस्ट 1,000, जहां तक मैं ये अलजजीरा जो है न्यूज़पेपर है उससे मैंने कवर किया है, तो वो अभी तक 1,037 लोगों की मरने का जो है, अप्रोक्सीमेटली जो उन्होंने उसको अप्रूव किया है, और 1,200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी इनके लिए बोला है कि हम एज ए इंडियन जो भी मदद की जा सकती है वो की जाएगी, और ऐसे समय में कंट्री के जितने भी लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स के लोग हैं, वो डेफिनेटली आके हेल्प करें। चाइना, यूएसए, सारे लोगों ने अपना एक हेल्पिंग हैंड्स बढ़ाया है, इंडिया भी उसका पार्ट है। तो देखते हैं कि ये डेथ टोल कितना जाता है, बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल दो
आप मोरक्को के बारे में, अब मोरक्को के बारे में आप समझेंगे, अब कितना भी बताना संभव नहीं है क्योंकि तो मैं छोटा वीडियो बनाता था, 2-3 मिनट का सोचा था। तो इसमें इनके 20% जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे। तो आप समझो कि कितना का लॉस होता है, जो एक ऐसा कंट्री जो जिनकी 20% इकोनॉमी टूरिज्म पे हो, और ऐसे समय पे कुछ इस टाइप का इंसिडेंट हो तो एक क्योस क्रिएट होता है, सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट होता है, और टूरिज्म जो है फिर वो डिक्रीज होने लगता है वहाँ पे इकोनॉमी में उसका पोर्शन, तो एक टाइप का क्राइसिस क्रिएट होता है। टर्की के साथ भी हमने यही देखा था। तो आप ये देखना कि इनका तो इतना बड़ा नुकसान है, टूरिज्म को लेके भी नुकसान है। फिर जो मोरक्को है वो अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, और अफ्रीकन यूनियन को अभी G20 में मेंबर को लेके लगातार अभी तक करंट, शायद मेरे हिसाब से इनको एयू का मेंबर, परमानेंट मेंबर बन जाएंगे G20 का, एयू तो एयू का मेंबर है, इसीलिए जो अभी मीटिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने ये चीज रखा भी मोदी साहब ने कि जो भी मदद की जाएगी वो बिल्कुल की जाएगी। सो थैंक यू सो मच, और कोशिश करेंगे कि जो हालात हैं मोरक्को के वो सही हों और सारे लोग सुरक्षित हों, जो भी इंजर्ड हों उनको जल्दी से जल्दी हेल्थ फैसिलिटी दी जाए। हैव ए नाइस डे।